गालिब है, यहीं के रहने वाले हैं आप, है ना? सांसपुर का हूँ प्रॉपर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है, ये फलियां जो हैं, आप वो क्या भाव बिक जाती हैं? हमारा 40-45 का जा रहा है, 40-45 का बढ़ता रहता है। और ये पूरा खेत जो है आपका है ना, इधर से पूरा खेत हमारा बटाई पे ले रखा है, मानो किराए पे ले रखा है। तो ठीक, सीधे मंडी में जाता है। और भाई आपका नाम क्या है भाई साहब? नाम है मोहम्मद अर्शद। मोहम्मद अर्शद, ठीक है। और ये फलियां जो हैं, सेम फली हैं, इनका नाम है सेम फली, ठीक है। तो ये कितनी बार आप इसको निकाल लेते हैं? इसको तीन चार बार ये पौधों से निकल जाती है। आगे वाले उधर आगे की तरफ है करना भैया, उधर जो है, उधर वो जो खेत है उधर, उसमें आप ये क्या बो रखे हैं? इधर भी यही है, ये सारा आगे सारे तक वही है। उधर मत आइए, ये खेत में शायद आप इधर ले आ भाई। पे है कि खर्चा करते हो या जो आपने भट्ट साहब से लिया है, कैप्टन साहब से, तो आपका निकल जाता है मतलब ना? हाँ जी, निकल जाता है आपकी बात। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम इसलिए आपका वीडियो बनाते हैं कि देहरादून में आत्मनिर्भर किसान रहते हैं जो कि काम करते हैं, और ये है कि अपना साल भर का भी अपने का निकाल देते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, रहन सहन, खान पान, यही तो आपका काम है ना? हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो है इसमें काम करते हैं, और काम करने वाले यही तो है। परिश्रम के फल क्या होते हैं? मीठे होते हैं। जी जी, ठीक है, ये सबसे बढ़िया बात है। अच्छा, ये ट्रक भी आपका अपना है? जी जी। और ये जो इसमें आप ये ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं, ये भी आपका अपना है? सारी व्यवस्थाएँ आपकी अपनी हैं। तो ग्राहकी जो है यहाँ आप फिक्स अप करते रखते हैं वहाँ? देहरादून सब्जी मंडी में जाता है, वहाँ पे जाता है, वो अपना वो लगते हैं, परसेंट है 100 रुपये पे 7 रुपये आड़त लेते हैं। ठीक ठीक, चलो। तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपको ये है कि आप एक बहुत अच्छा काम करते हैं। किसान के पीछे है कि सारी पलते हैं, देश का प्रधानमंत्री भी इसी के पीछे पल रहा है ना, सवाल तो ये है। और आज किसान जो है रोड वेरे खड़ा हो रहा है, ये गलत चीज़ है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान ही अन्नदाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये बेटियां बात करेंगे हमसे थोड़ा? करेंगी, बात करेंगे। हाँ जरा एक जरा, अरे बेटा ये जो हमसे ज़रा बात करना भाई, आप लोग ये है कि ये जब भी ये कहते हैं आप लोग इनके साथ काम करने के लिए आ जाते हो, है ना? तो बहुत अच्छी बात है, ये आपका बहुत अच्छा काम है कि आप भी जो है किसान, एक तरह से आप भी किसानी कर रहे हैं इनके साथ। तो करीब करीब ये क्या दिहाड़ी दे देते हैं आपको साहब? 250 रुपये 4 घंटे 6 घंटे? वो तो परसों बता रहा था कि हम सवेरे से और 12 बजे तक है कि 250 रुपये देते हैं। देहरादून में जो हैं हमारी ये जो बेटियां हैं, हमारी जो माँ बहनें हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, अपने लिए कुछ न कुछ पैदा करती हैं, अर्न करती हैं। तो इसमें ये है कि आप ये आपके पास जो बचत समय है, घर में भी आप लोग सिलाई कढ़ाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रोटी बनाने के साथ साथ घर का काम भी करते हैं, झाड़ू बुखारा भी करते हैं, रोटी भी बनाते हैं। कि हमारे देश के, हमारे देहरादून की जो बेटियां हैं या ये जो किसान हैं, ये कितना अच्छा काम करें। अब देख लो आपके पीछे सारा ट्रक भर गया है वहाँ फलियों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। ये सारा आपका है ना, ये सारा प्लॉट? ऐसा कहते हैं, कहते नहीं हैं, है मैं जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, ये सारा आपका है। आपने किस समय लिया था इसको? ये लिया था 1976 में। 1976 वो समय की तो मेरे ख्याल से रेट काफ़ी डाउन थे या ऊपर थे? 2000 रुपये बीघा। 2000 रुपये बीघे के हिसाब से ये कितना बीघा है? 12 बीघा जमीन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय पे जो है बहुत अच्छा ले लिया। और साथ ही है कि आप यहाँ पे जो किसानी के लिए दे रहे हैं, ये जो खेती हो रही है, इसी से तो ये है कि लोगों का जीवन गुजर होता है ना। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? हमारे कैप्टन साहब का है, अन्नदाता। ये तो अन्नदाता है, लेकिन सबसे बड़े दाता आप हैं कि हमने भूमि को जो है इन लोगों को बटाई पे दिया है, इसीलिए तो ये प्रोडक्ट हो रहा है, है ना? इसके लिए तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, है ना? और इस तरह और भी जगह है कहीं आपके, और भी ले रखा है? हाँ और भी है। हाँ कितना है और कितने बीघा जमीन है? और
दो बीघा वो पल्ले रोड पर है जहाँ वो मकान दिखाई दे। अच्छा, ये काफी बहादुरपुर रोड जाता है। ठीक है, ठीक है। और बच्चे वगैरह सेटल्ड हैं? सब बढ़िया। आपको तो बहुत अच्छी पेंशन मिलती है? हाँ, तो ये क्या बात है। आप तो कैप्टन है, ऑनरी है या फुल फ्रेश के? ऑनरी है। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ये जो सारा यहाँ पे काम होता है, ये आपकी छात्र खाए में हो रहा है? नहीं, क्यों नहीं, है ना। और इसके लिए मैं तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रतीक बना के रखा हुआ है आपका कि हम अपने ज़मीन में जो है एक ऐसी प्रोडक्शन पैदा करते हैं, ऐसे उत्पादन को पैदा करते हैं जो कई लोगों के घर जो है से लेकर पास है, पूछता है। इसलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.